250 ग्राम मूंग की दाल में एक पिंच खाने का सोडा शामिल करके उसको एक घंटे के लिए सोक करेंगे हम। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हम चार हिस्सों में काट के उसको ग्राइंड करेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। हमारा पेस्ट हो गया तैयार। ओनियन को अब हम रखेंगे साइड पर और बारी है जनाब अब मूंग की दाल को ग्राइंड करने की। इसमें हम 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। और इसको इतना ज़्यादा बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। जनाब हमने शामिल किया 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और उसके बाद जनाब बारी है मंगोची को फ्राई करने की। देखिए स्पून की मदद से आप मंगोचियों को गरम ऑयल में डालिएगा। अगर हाथ की मदद से डालेंगे तो गरम ऑयल के चांसेस है कि आपके हाथ पे छींटे लगें और आपके हाथ को जला दें, जिसका निशान नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। 2 मिनट के लिए हर साइड को हम फ्राई करेंगे। जब ब्राउन हो जाए साइड तो उसको चेंज कर देंगे और इस तरह तमाम साइड्स खुद अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई हो जाए तो मंगोचियों को हम डिश आउट कर लेंगे। जनाब ये आपको अपना चैनल है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए प्लीज़। अब जनाब बारी है मसाला तैयार करने की। 1/2 कप हमने ऑयल ले लिया, उसमें फ्राई करेंगे इसको 2 मिनट के लिए। जब प्याज हमारी सोते हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट शामिल करके फिर इसको मज़े फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जनाब जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। चूल्हे की आँच को हमने 2 मीडियम रखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर हाई रखेंगे तो प्याज जल जाएगी। 1 टीस्पून हल्दी चाहिए इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही इसमें नमक शामिल होगा। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। मसालों को अच्छी तरह प्याज में मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद जनाब 3 टेबल स्पून दही की शामिल करके इसको फ्राई करेंगे। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल हमारा ग्रेवी से सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होता चले जा रहा है, दैट मीन्स कि हमारा मसाला तैयार हो रहा है। चूल्हे की आँच को बदस्तूर हमने लो फ्लेम पे रखा है ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया हमारे मसाले से। अब जनाब बारी है इसमें 1 स्पून जो खाना बनाने का चम्मच है उसमें पानी शामिल करने की। 1 स्पून का अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ऑयल हमारा सेपरेट ना हो जाए। ऑयल हो गया जनाब सेपरेट, मसाला आपका तैयार। अब वक्त है जनाब इसमें मंगोचे को शामिल करने का। मंगोचे की पकौड़ियाँ इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जनाब इसमें शोरबा करेंगे। मैंने 3 स्पून पानी के इसमें शामिल किए हैं खाना बनाने का चम्मच। आपको जितना शोरबा रखना है जनाब अपने हिसाब से आप अपना शोरबा रखिएगा इसमें और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जनाब बर्नर को करेंगे हम ऑफ और इसको गार्निश करेंगे गर्म मसाले के साथ। और लीजिए आपकी मज़ेदार चटपटी ज़बरदस्त लजीज की मंगोचियाँ तैयार हो गई। जनाब आपको आज की अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया, और हाँ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जनाब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।